काशी? काश नाना कहाँ है? नाना, नानू कहाँ हो आप? A few moments later. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हो मैं कहीं जाने के लिए तैयार हूँ, तो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। पर जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। बाकी करें मौसम की बात, सब जगह पर धुंध धुंध हो रखा है और रात की इतनी अच्छी बारिश है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश है रात की। बाकी अब चलते हैं क्योंकि सब तैयार हो चुके हैं, लेट हो रहे हैं। मैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, अब निकलते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी लोग चले गए ऊपर की तरफ, हम जा रहे हैं अभी क्योंकि सबसे ज़्यादा लेट सो के उठे तो थोड़ा टाइम लग गया तैयार होने। हम तो कब के तैयार होकर रहे थे। तो मम्मा, मम्मी और पापा और एकाक्ष चले गए ऊपर रोड के लिए। यस, तो हम पहुँच चुके हैं रोड को और बाकी लोग चले गए आगे। वहाँ पर है एकाक्ष, मम्मा, मम्मी, पापा। बस बारिश ना हो, बाकी तो सब ठीक है। हम जल्दी जल्दी से वापस आ जाए क्योंकि एकाक्ष भी साथ में है। पिंग पिंग। हम पहुंच चुके हैं नारकंडा और आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि हम कहां जा रहे हैं। हम रुके थोड़ा बहुत सा सामान लेने, शायद आपको छुट्टी देखो थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम कहां जाने वाले थे। जी हाँ, हम जाने वाले हैं हाटू मंदिर को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 61 किलोमीटर दूर घने पेड़ों के बीच बसा नारकंडा अपनी खूबसूरत वादियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हाटू माता मंदिर नारकंडा से करीब 7 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। हाटू माता मंदिर को लेकर एक मान्यता यह भी है कि मंदिर का निर्माण रावण की पत्नी मंदोदरी ने करवाया था। सुंदर लकड़ियों से बना हाटू मंदिर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हाटू की ऊंचाई समुद्र तल से 11,000 से 12,000 फीट तक की है। मान्यता के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान हाटू माता मंदिर में काफ़ी समय बिताया था। मंदिर के पास तीन बड़ी चट्टानें हैं जिसे भीम का चूल्हा कहा जाता है। कहा जाता है कि खुदाई करने पर वहाँ से जला हुआ कोयला मिलता है और साथ ही साथ जेठ महीने के पहले रविवार को माता के दर्शन करने का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि पुरातन समय में यहाँ पर माता को स्थापित किया गया था। लंबी खड़ी चढ़ाई और खतरनाक ड्राइव ट्रैक से होते हुए हाटू माता मंदिर के द्वार तक पहुँचा जाता है। इस मंदिर से श्रीखंड महादेव के साथ साथ जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल रेंज और किन्नौर तथा कोडगढ़ कुमारसिन रामपुर शहर का एक हिस्सा देखा जा सकता है। सो गाइस, हम फाइनली हम हाटू पहुंच चुके हैं। कब से हमारी इच्छा था कि हमने हाटू आना, तो आज जाके हमें टाइम लगा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं, वैसे ज़्यादा तो नहीं मतलब ठीक ही है, छोटे छोटे बच्चे भी।
फाइनली गाइस हमने दर्शन कर लिया और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रीता वगैरह रखा है, यहाँ पे ना काम चल रहा है मंदिर में, और जैसे मंदिर से बाहर आए थे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे उतने में। सो माता रानी जी के हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी एकाश को पानी देना है तो मैं जा रही हूँ पानी लेने गाड़ी में, और मामा वगैरह चले गए उधर थोड़ा सा घूमने। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की खूबसूरती, पर ऐसा है कि अब जैसे बरसात का टाइम है तो धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ी होती है तो फिर ज़्यादा इधर उधर दिखता नहीं है। अभी जैसे बरसात का टाइम शुरू हो गया तो यहाँ पर उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, बाकी तो मतलब लोग चले रहते हैं यहाँ पर। अभी कुछ नीचे से पैदल भी आ रहे थे, मैंने आपको दिखाया था, आपने देखा होगा वीडियो में, स्कूल के बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी ज़्यादा थे। वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए, इधर ही आए होंगे कि कहाँ गए, पर यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो वहाँ अगर आपको दिख रहे होंगे एकाक्ष और वो वहाँ पहुँच चुके हैं, हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार हम और आएंगे पक्का नेक्स्ट टाइम, तब हम नहीं आएंगे अनुजा मैं वो, एकाक्ष को हम घर पे ही छोड़ेंगे क्योंकि आज हमारा जॉब आग जाने का प्लान भी था, पर एकाक्ष के साथ कहाँ जाना क्योंकि वॉकिंग काफ़ी ज़्यादा है वहाँ जाने के लिए। वहाँ बैठे पापा और एकाक्ष, वो रहे बादलों के बीच, क्या कर रहे हो आप दोनों, नंगे पाँव कहाँ चला रहे हो यार इसको, क्या हो गया, शुजू नहीं पहने इसने शुजू। एकाक्ष हांजी हांजी, यहाँ देखो एकाक्ष, हेलो, वहाँ देखो दादा और नानी कहाँ आ रहे हैं, वहाँ यस दिख गई आपको वहाँ पे। और रही व्यू की बात, आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना अच्छा लग रहा है, सब जगह पर धुंध धुंध फैली हुई है, और वो बोले वहाँ शूट किया जाए उन्हें बेचारा एकाश घूमी घूमी बाबा। अच्छा 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 भाग भाग के भाग भाग के अच्छा 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 शॉक्स बिट्टू शॉक्स ऐसे फोटो लो जरा मेरे पुराने पोज। हेलो गाइस हाउ आर यू डूइंग, गोबर गोबर एवरीवेयर। और एकाक्ष ने आज अपना पहला पीक कॉन्कर कर लिया है, हार्ट टू पीक पैदल चल के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलो भाई चलो चलो चल चलो आ रहे पापा। याद उसको नीचे भी चुप भी रहा होगा ना, जैसे ने सौ शूज नहीं पहने हुए, घर में तो बहुत पटकता है। चिड़िया 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 जी चिड़िया, धूप लगती है तो आँखें नहीं खुलती, हाँ ऊपर से अगर वाइट वाइट भी हो ना पूरा फिर भी नहीं खुलती आँखें, वही तो चमक रहा है भाई, जैसे बर्फ में भी देखो होते जैसे बर्फ चमकती तो आँखें खुलती ही नहीं है, तो पता नहीं वैसी कब पड़ेगी। हर कुछ होगा, हम गाड़ी ले आई तो फिर तो शाम को ही पहुँचना है ऊपर। कोई ना मम्मी कुछ और इच्छा मांगेंगे। अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ क्योंकि अभी घर जाके करनी है स्प्रे मम्मा पापा को, इसलिए हम जल्दी जा रहे, नहीं तो आज हमारा जॉब आग जाने का प्लान भी था, पर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, ठीक है मोटू आप और मैं, ठीक है मम्मा एकाक्ष का आप देखना, ओके तब ले जाएंगे हम आपको जॉब आग की तरफ, जॉब आग में करेंगे लंच, जॉब आग में करेंगे हम लंच। तो अब करते हैं इस खूबसूरत सी जगह को बाय बाय, और अब निकल गए घर की तरफ, भूख भी लगने लगी, हमने खाना कुछ नहीं ले गया क्योंकि हमारा बस ऐसे तक ने माथा टेकना और वैसे ही वापस चले जाना है, तो अब नेक्स्ट में मस्त प्लान बनाते हैं और हाटू आएंगे, बाकी अब चलते हैं, मिलते हैं अब आपको घर पर ही।
ग्राउंड जैसा है। जय माँ जी, भाई दोस्त हम घर पहुंच चुके हैं और अभी खेत में पानी जोड़ा हुआ है क्योंकि स्प्रे करनी है, तो अभी जा रही हूँ पानी देखने भरा कि नहीं भरा, फिर मुझे करना है पानी बंद। बाकी तो सब लोग सो चुके हैं, मम्मा पापा गए हैं स्प्रे करने, अनुज और मैं बस लगे हुए हैं साफ सफाई में। मैं आ गई हूँ वापस और वहाँ पे पहुँचते मैं क्या देखती हूँ पानी आ ही रहा है, जो मेन पानी था वहाँ से उजड़ा हुआ था टंकी के लिए और बिल्कुल भी नहीं भरी। अब जाते हैं वापस घर की तरफ, थोड़ा बहुत काम करते हैं।